इस बार मैं जिस सामान की उसको मैंने बड़ा कर दी एक कुछ से डिफेंस से पहले इधर के दोस्त थे खड़े थे बनारसी शाल पा के गांधी बजाने जाने थे आस पास के सब कुआं से थोड़ा थोड़ा पानी लेके कड़े पाने थे उस कड़े के पानी में ना बात होता है या ना होता है जन के जाने से तैयार हो जिसको पता ना क्या हो जाता है पहले एक रस्म बड़ी मशहूर है लेकिन आजकल बड़े पुराने बुजुर्ग वो भी ये रस्म इस तरह करते खूब तो नहीं है लेकिन वो सब कारण है लड़कियां से पानी लेके ये रस्म चल रही है इस बात में कहता कि वो यह बड़ा विराज आ रहा है सिरा बन जाए गांव के तो लोग वेल लेते हैं नली वेल लेता जब तक ऐलान करते हैं एक रानी की वेल है उसके बाद बात पकड़ाई की रस्म होती है मेरे यहाँ पैरा घोड़े पे या मोटर बैठने से पहले अपने विराज को मेरे पैसे लेते हैं उन्होंने बात पकड़ाई की इस बात जनाब हमदार जड़े पहले घोड़े पे बैठता होता है जनाब तो पाले को बिठाते होते हैं अच्छा ना गली बैठते हैं अगले के बैठ वाले होते हैं दोस्त बैठे जाने चिकन कप होने ना शुभा सकती चल गई इस नाश्ते के लिए लोग कोई लगा नहीं है जो कि ना दरवाजे तक पहुंच जाए उसे पूरी की बयान कर सकती बदाम के पिस्ते वाले जो लेंगे उसे सुलझती होगी ना लड़ाई के दो फुट पार्ट है लेकिन एक के दो फुट पार्ट में उसको बड़े महंगे मानते कि उसको पूरी की बयान पैसे देने पड़ते जिसके बाद लोग रास्ता छोड़ देते के बाद नहीं मानते बुला लेते इसे बात निकालते उसको बता दी जाती है पूरी सुस्ता होती है डिनर जैसी सुस्ता होती है निकालने इजाजत है कि मौलाना साहब ने कहा उसे बाद में मिलता करने वाले बच्चे आए कि दिल से शक्कर तरसीन बीते जाते हैं जिस लुक के प्रिंट किया जाता है आजकल दिल से शक्कर की जगह ड्राई फ्रूट के डॉक्टर ने लाए थे एक खास किस्म जिस वक्त के निकाह होता है वो एक एक उतनी देर तक पूरी की सही या पहन उसे सिर्फ एक ऐसी नकाब सतर दे रहे इसके बाद आगे जनाब दाज भी खिलाई दे एक और समय जिस दिन का रोमन पूरी के कपड़े के जेवर बक्से स्टेट रख के जाने से नाव पूरी के पार के लोग रैक पति स्टेट चढ़ के जाए बक्से खुल जाने लोग दाज देते जो रहते अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करते रहे एक और रस्म है जिसको चोबा किया जाता है एक खास किस्म की बड़ी सी गोली होती है जिड़ी नंडे के उसे दोस्तों के सामने रखी जाती है इस गोली के शिकार गुलाम होता है तो उसके कुत्ते रंगदार पताशे के लड्डू जुड़े होते हैं नंडे के दोस्त पताशे आवाज सुनाते हैं जब भी गुरु खाते हैं मजाक करते हैं उसके बाद खाना शुरू होता है खाना खाने से बाद पूरी तरह दिल पर बिठा देते हैं उधर बनारसी खा लेते हैं वो शीशे एक दूसरे को पहले दफा देते हैं शीशा के खाने के बाद थोड़ा जुदी खोल के नंडे से कुछ दोनों से थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है नंडा कुड़ी दूध पिलाते हैं कुछ नंडे दूध पिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे को बैठाई दिया इसके बाद अपनी किस्म के लिए सलाम कराएंगे रस्म है कि नंडे लोग कुड़ी रिश्तेदारों में मिलाया जाता है कि वो अस्पे को भी पैसे देते हैं जिसको सलामी कहते हैं नंडे का माँ को तेरा खास तौर पर कुड़ी का माँ को तेरा खास तौर पर नंडे को बड़ी अंगूठी अपनी कीमती चीज देते हैं इसके बाद आगे की उस समय की रस्म सारियां रस्मों के बाद कुड़ी नंदे वाले एक दूसरे को गले मिलते हैं ते पूरा नदी के साए के लिए कुंड पार से सब करके गड़ी दिखा देते हैं कुंड में लेके नंदे वाले जो बाहर पहुंचे तो ये रस्म देख के नदी से पहले तो बकरा का जुबा कुर्बान किया जाता है ते वो की नू उस कुर्बानी के कुत्तो लगा के प्राण पाक के साए के लिए नदी से अंदर ले जाया जाता है कमरे में उठा के सबसे पहले उसी गोदी से प्राण पाक कर लेता है कुड़ी उसको बोल डिपार्ट के उसे उसके पैसे रख के वापस कर देती है उसके बाद उसकी गोदी खानदान में सबसे छोटा बच्चा पाया जाता है जिनको भी पैसे देते हैं बच्ची ही ने चोला ने अनुसार सब कुछ यहाँ पढ़ाया जाता है रिपोर्ट समय में शादी जरा मिलने या बहना घूमने का दरवाजा खोल के रोज जंगल में जब तक जरा पैसे नहीं देते उन्हें अंदर नहीं जाने देते अगले दिन सवेरे का नाश्ता पूरे दिन पास चलता है जिससे तमाम तर लवाजमात मौजूद होते हैं अगले दिन बाद हाजिरी होती है जड़ी के नंडे वाले पूरी बराती को बुला देते कुड़ी वाले भी आने से बड़ी बड़ी ताकत होती है उसे भी ठीक गाना पढ़ाई की रस्म होती है रोटी देखो जनाब के सारी मौजूदा रस्मानियां काफी सजाए भी हैं जिनका
को बोलने वाले पेरेंट्स रहे थे कि वो हर रस्म पूरी करना था और रस्म इस वजह से समझते कि कोई रस्म अगर रह गई तो पूरी बराती ना खाना पड़े क्योंकि ऐसे देखा जाए कि किसी को हम अपनी नाक जितनी जुगर में होती जितनी एक को बोलने वाले में होती कि पिशोलियां बेचारा हम लोग कुछ छोटे लोग बने हुए नाक जरूर है जितना देखा पेड़ का डर आगे बनाने से काम है जाने जाने विद्वा अपने भगवान प्रभाव से कला सारे सारे मिलन में नाच सलामत रहे बहुत शुक्रिया।